आजकल दो दिन से टीवी में चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में चूक हो गई, 24 घंटा यही चल रहा है। एक तो प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है, तो फिर उनके घबराने की क्या जरूरत है। दूसरा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, देश के होते हैं। ठीक बात है, तो प्रधानमंत्री अगर किसी पार्टी के नहीं होते हैं तो किसी पार्टी का जाकर के चुनाव प्रचार भी नहीं करना चाहिए। और तीसरा कि अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है तो आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास सरकार है, गृह मंत्री आपका दोस्त है, जय शाह का पप्पा अमित शाह, SPG उसके अंडर में है, आप जांच करा करके देख लीजिए कि कहां लैप्स हुआ है। पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाए तब इनको डर नहीं लगा, अपने ही देश में घूमने में इनको डर लग रहा है। पल में तोला पल में मासा, ये तो नहीं चलने वाला है साहब। एक तरफ कहते हैं कि मजबूत प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ डर करके भाग जाते हैं, ऐसे नहीं चलने वाला है साहब। आप मुद्दे को भटकाना बंद कीजिए। मुद्दा यह है कि कितना भी आप प्रचार कर लीजिएगा ना, सच सच होता है। एक बात बताइए कि नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएं और हम 1,00,000 बार बोलें आम है आम है आम है तो नारियल आम हो जाएगा। कहते हैं बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद और संघी क्या जाने आजादी का स्वाद। जो लोग इस देश की आजादी में शामिल नहीं थे, जिन लोगों ने इस देश को आजादी नहीं दिलाई, उनको इस देश की आजादी से प्यार भी नहीं है। कहते हैं ना, जो बनाता है उसी को दर्द होता है। महिलाएं इस बात को बखूबी समझेंगी कि जो मां 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखती है उसको मालूम होता है कि मां बनना कितना मुश्किल काम होता है। जो घर छोड़ करके भाग गए हैं, जो घर नहीं चला पाए हैं, वो देश क्या खाक चला पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आज के डेट में इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको ये सोचना पड़ेगा कि उसका मुद्दा क्या है। और उसका मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट, उसका मुद्दा है महंगाई, उसका मुद्दा है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल पार्टिसिपेशन। उसका मुद्दा है कि इस देश के अंदर महिला हो या पुरुष हो, काला हो या गोरा हो, सबको जो बराबरी से रहने का हक मिला है वो बराबरी का हक। यहाँ कुछ सिपाही खड़े हुए हैं, ये संविधान की ही ताकत है कि सिपाही जो डंडा लेकर के खड़ा है उसका वोट भी एक होता है और इनके जो DCP और DGP होंगे उनका वोट भी एक होता है। ये देश के लोगों का मुद्दा है और इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह का तमाशा रचा जाता है, तरह तरह का तमाशा खड़ा किया जाता है। और इस तमाशे के खिलाफ जो जनता है उसका जो सवाल है, उस सवाल को उनके बीच में ला करके रखना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और इस जिम्मेवारी को कांग्रेस पार्टी हर हालत में उठाएगी। आजकल कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नए नए शब्द गढ़े गए हैं, जैसे मैं जब आ रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि टुकड़े टुकड़े का पोस्टर लगा दिया है। हमने कहा कि देखिए, हम बड़ी प्राउडली कहते हैं कि हम टुकड़ा टुकड़ा करेंगे भाजपा का, इतना टुकड़ा करेंगे ना कि फिर ये फेविकॉल क्या फेविक्विक लगाने के बाद भी ये जुड़ नहीं पाएगा। और ये जितनी कोशिश कर लें, ये 3 आरोप लगाते हैं मुख्य रूप से, एक हिंदू विरोधी होने का, तो मेरा तो नाम कन्हैया है, दूसरा सेना विरोधी होने का, क्योंकि मैं पहली बार गोवा आया हूं इसीलिए आपको बता रहा हूं, मेरे घर से 16 लोग फौज की नौकरी करते हैं। और तीसरी बात जो मैं कर रहा था, जिसकी वजह से मैं कांग्रेस पार्टी का ये खेस अपने कंधे पे रखा हूं, मैं ऐसे परिवार से आता हूं जिस परिवार को स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन मिला करता था। मैं उस पार्टी का दामन इसलिए थामा हूं कि सवाल किसी को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, सवाल देश का है।
सवाल देश को बचाने का है। मैं बार बार आप लोगों से एक आग्रह कर रहा हूं, देश रहेगा तभी न राजनीति होगी, देश में लोकतंत्र रहेगा तभी न कोई मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज गोवा के आप तमाम लोगों से भी मैं ये आग्रह करना चाहता हूं, जो मंच का संचालन कर रहे थे उन्होंने कहा कि मार्गदर्शन करेंगे कन्हैया कुमार, मैं आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकता हूं, मैं आपसे मार्गदर्शन ले सकता हूं, लेकिन बस मैं आपको एक आखिरी बात बोलकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि देश की स्थिति यह है कि जिन्होंने देश बनाया, देश के लिए जान गंवाई, देश के लिए कुर्बानियां दी, आज उनसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। जिन्होंने आजादी के आंदोलन के साथ गद्दारी की, अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा करते थे, जो देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, आप मुझे बताइए राष्ट्रीय संपत्ति को बेचना कौन सा राष्ट्रवाद है भाई। आज ये जो उल्टी गंगा बहाई जा रही है, एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कहती है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इंसान को इंसान से बांट रहे हैं, धर्म के नाम पे इंसान को आपस में लड़ा रहे हैं और देश का जो असली मुद्दा है उसको गुमराह कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको और हमको ये तय करना पड़ेगा कि अगर कोई बीमारी है तो बीमारी का ऑपरेशन किया जाता है। अक्सर हमसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या विकल्प है, भाजपा का क्या विकल्प है। मैं कहता हूं बीमारी का विकल्प नहीं इलाज होता है, और भाजपा का इलाज कांग्रेस है, इस बात को याद रखिएगा। और ये बात सीधे तौर पे लोगों के दिमाग में नहीं जाए तो डायवर्जन क्रिएट किया जाता है। बस मैं आप लोगों की याददाश्त के लिए एक बात कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि दीदी पहली बार मुख्यमंत्री कैसे बनी थी, याद कीजिएगा। माननीय अरविंद जी पहले बार मुख्यमंत्री कैसे बने थे, याद कीजिएगा। तब कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि भाजपा को रोकने के लिए जो भाजपा विरोधी पार्टियां हैं हम उनके साथ मिलेंगे, उनके साथ समझौता करेंगे और भाजपा को रोकेंगे। और गोवा में जहां कांग्रेस पार्टी भाजपा को रोक सकती है तो वहां सब आ गए, हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, सवाल किसी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, सवाल किसी को प्रधानमंत्री बनाने का भी नहीं है, सवाल यह है कि इस देश का जो पॉलिटिकल कल्चर है, इस देश की जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी इस देश के बहुजनों को ना सिर्फ राजनीतिक अधिकार देती है बल्कि सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी देने की प्रवृत्ति रखती है, देने का पॉलिटिकल बिल पावर रखती है। आप जानते हैं तमाम तरीके के जो पॉलिसीज हैं, जो भागीदारी का सवाल है, वो कांग्रेस पार्टी की सरकारों में लागू किया गया है। अगर आप बचाना चाहते हैं तो मैं आप तमाम लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूं, इधर उधर की बात में मत फंसिए, प्रचार प्रचार होता है, इतिहास को याद कीजिए। और इतिहास वही है कि अगर कांग्रेस पार्टी कोंकणियों के स्वाभिमान के लिए लड़ सकती है, गोवा के लिबरेशन के लिए लड़ सकती है, गोवा को स्टेटहुड दिला सकती है, तो गोवा को जो आज का सवाल है अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई, उसका भी हल कर सकती है, उसका भी निदान कर सकती है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हम लड़ेंगे अपने हक और अधिकार के लिए, हम लड़ेंगे अपनी आज़ादी की सुरक्षा के लिए, हम लड़ेंगे अपने संविधान की रक्षा के लिए और इसको हर कीमत में बचाएंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो बिगाड़ने वाला होता है बचाने वाला उससे बड़ा होता है। बेचने और बचाने की लड़ाई में बचाने वालों की जीत होगी। दिन में रैली करते हैं और शाम में कोरोना से कैसे लड़ा जाए इसके लिए मीटिंग बुलाते हैं, तो आम लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। फिल्म स्टार फिल्म बना रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर भाषण दे रहे हैं,
बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और आम आदमी को कहा जा रहा है कि आप घर में बैठ करके कोरोना से लड़िए, और आप गोवा के लोग हैं, आप जानते हैं कि कोरोना के चलते आपको किस सिचुएशन से गुजरना पड़ा है। एक तो कम आबादी होने के बावजूद 14-15 लाख आबादी होगी बमुश्किल यहाँ की, टोटल पॉपुलेशन होगा, लेकिन यहाँ भी सेकेंड वेव के दौरान लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले थे। और आप जानते हैं, मैं दिल्ली की कहानी आपको बता रहा हूँ, देश के तमाम बड़े हॉस्पिटल दिल्ली में हैं, 80,000 रुपए में ऑक्सीजन के सिलेंडर बिके हैं। दिल्ली से गुड़गांव ले जाने के लिए 1-1 लाख रुपया एम्बुलेंस ने मरीज के घर वालों से लिया है, और अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, ये पिछले ही साल की कहानी है। अभी तीसरी लहर फिर आने को तैयार है और सरकार सारा फैसला चुनाव को ध्यान में रख करके कर रही है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर सरकार ही चाहती है कि चुनाव हो, चुनाव आयोग ही चाहता है कि चुनाव हो, ऑनरेबल कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद भी ऐसा सिचुएशन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी ने ये डिसीजन लिया है कि हम कोई बड़ी रैली नहीं करेंगे, लेकिन छोटे छोटे कन्वेंशन हम करेंगे। और ये कन्वेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि जब चुनाव हो तो कम से कम जो देश के लोग हैं, जो राज्य के लोग हैं, जो स्टेट के लोग हैं, उनके मुद्दों पर चुनाव हो। इसीलिए गोवा पीसीसी ने ये फैसला लिया कि हम दो कन्वेंशन करेंगे, एक कन्वेंशन में आप सब लोग बैठे हुए हैं, दूसरा कन्वेंशन कल होगा। ये कन्वेंशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल ये है। ये कन्वेंशन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी के अंदर एक ट्रेंड देख रहे हैं। ट्रेंड क्या है कि चुनाव को पूरे तरीके से लोगों के जो इश्यूज हैं, जो पीपुल्स इश्यूज हैं, उससे डाइवर्ट कर दिया गया है। मैं रास्ते में आ रहा था, कोई ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का पोल नहीं है जिसपे 32 दांत निकालता हुआ प्रधानमंत्री का फोटो नहीं है, और हर फोटो पे एक बात लिखा हुआ है, 10 वर्षा विकासाची, और कह रहे हैं, इतनी कोंकणी मुझे आती है कि 10 वर्ष में विकास की क्या कहानी लिखी गई है। और दावा उनका यह है कि गोवा में डबल इंजन की सरकार है। मैं बिहार से आता हूं, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। अब यह बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्या आप जानते हैं कि बिहार में भी बीजेपी सरकार में है, और बिहार की हालत यह है, कहां है बिहार, वहां से लोग काम करने के लिए गोवा आते हैं। अगर डबल इंजन की सरकार होने से विकास होता तो बिहार के लोगों को गोवा आकर के काम करने की जरूरत नहीं थी। मतलब ये प्रचार है, मतलब ये झूठ है। जैसे आप टीवी देखते हैं तो टीवी में ऐड आता है, क्या ऐड आता है, ऐड आता है कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा हो जाता है। ट्राई किए हैं, किसी का मुंह गोरा हुआ है? यह प्रचार है। और प्रचार की हालत यह है, मैं आपको बता दूं, सरकार की एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो टोटल बजट है उसको अगर देश की लड़कियों के ऊपर डिवाइड किया जाए तो एक लड़की के ऊपर 3 पैसा मिलेगा। कितना? 1 टॉफी भी नहीं खरीद सकते हैं आप 3 पैसे में, टॉफी भी कम से कम 2 रुपए में आता है। और उसका 77% बजट, मतलब 100 में से 77 रुपया
सिर्फ और सिर्फ एड पे खर्च किया गया है। केंद्र की सरकार ने 5000 करोड़, कितना 5000 करोड़, अरे आप संबित पात्रा थोड़ी हैं कि ट्रिलियन में कितना जीरो है नहीं बता सकते हैं, 5000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है। और आप इधर से बंबई की तरफ से मैंगलोर जाएं या मैंगलोर की तरफ से मुंबई जाएं, नॉर्थ से साउथ गोवा का जो मेन हाईवे है उस पे घूम करके देख लीजिए कि सबसे ज्यादा प्रचार किस पार्टी के होर्डिंग के द्वारा किया गया है। मैं जब आ रहा था तो अपने यूथ कांग्रेस के साथी को पूछा, हमारा होर्डिंग बैनर नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी जवाब दी। उन्होंने कहा कि लगभग 30% हमको वोट है गोवा में, लेकिन पोस्टर के मामले में 5% भी पोस्टर हमारा रोड पे नहीं लगा हुआ है। ये जो पैसा है ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट किससे निकाला जाएगा? ये इन्वेस्टमेंट जब सरकार चुन करके आएगी तो आपसे निकाला जाएगा, आपके टैक्स के पैसे से वसूला जाएगा। और कैसे वसूला जाता है, ये सामने पेट्रोल पंप है, ये भाजपा के लोग कहते हैं शेर को पालने में खर्चा होता है, प्रधानमंत्री शेर हैं तो शेर को पालने में खर्चा होता है, इसीलिए 32 रुपए लीटर का पेट्रोल जो है 110 रुपया में बिक रहा है। 32 रुपया दाम है और बाकी का जो रुपया है टैक्स के रूप में आपसे वसूला जा रहा है, और वो पैसा आपके स्कूल के ऊपर नहीं, आप जिस सड़क पे चलते हैं उस सड़क के ऊपर नहीं, आपके घरों में जो बिजली आती है उस बिजली के ऊपर नहीं, कोरोना काल में जो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, उसके ऊपर नहीं, प्रधानमंत्री जी के सूट बूट के ऊपर खर्च किया जाता है। इसीलिए ये कन्वेंशन हम बुलाए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल लोकतंत्र में सिर्फ नेताओं के मन की बात होती है, जनता के मन की बात नहीं होती है। जनता के मन की बात क्या है? जनता के मन की बात यह है कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी देश के लोगों से बनता है। और हमसे पहले जो इस मंच का संचालन कर रहे थे उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कौन है बहुजन, जो ठेला चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो आपके घरों में साफ सफाई करते हैं, जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग हैं। और ये जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं ये सम्मान से अपनी जिंदगी जी सकें, इसीलिए डेमोक्रेसी में बराबरी का अधिकार उनको दिया गया। बराबरी का अधिकार वोट देने से लेकर एजुकेशन लेने तक, और एजुकेशन लेने के बाद नौकरी लेने तक, ये इक्वलिटी की आइडिया को डेमोक्रेसी के अंदर एस्टेब्लिश किया गया। आप सोच करके बताइए कि अगर संविधान में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पूरी की पूरी संविधान सभा यह प्रावधान नहीं करती कि सबका वोट बराबर होगा, तो आपको लगता है कि आपकी गंदी बस्तियों में कभी चमचमाती कार पे बैठकर कोई हाथ जोड़ करके आपसे वोट मांगने के लिए आता? जब मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, जब अपने घरों में नहीं घुसने दिया जा रहा है, एक ही नदी में जब साथ में नहाने नहीं दिया जा रहा है, एक ही कुएं में जब पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, तो नेता हाथ जोड़ करके आपसे वोट मांगने आते? ये डेमोक्रेसी की ताकत थी। डेमोक्रेसी ने हमको क्या ताकत दिया कि चाहे हेलीकॉप्टर पे उड़ने वाला आदमी हो या सड़क के किनारे बैठकर जूता सिलने वाला, उसका वोट बराबर होगा। आपने अपने घर में भले महिला और पुरुष को बराबर नहीं किया हो, लेकिन संविधान ने महिला और पुरुष को बराबर किया। ऐसा तो नहीं है ना कि
कि मेरे पिताजी का वोट दो होगा और मेरी माताजी का वोट एक होगा? क्या गोरा क्या काला, क्या मोटा क्या पतला, क्या अमीर क्या गरीब, क्या फॉर्च्यूनर पे चलने वाला क्या साइकिल पे घूमने वाला, सबका वोट बराबर किया इस देश के संविधान ने। और यह जो अधिकार है, इस अधिकार की ही ताकत है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के साथ साथ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की भी बात की जाने लगी। लेकिन आज के डेट में पहले पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को खत्म किया जा रहा है और उसके बाद इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को भी खत्म किया जाएगा। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, झूठ बोल करके हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मैं सच आपको बता रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसे खत्म किया जा रहा है। आप देख लीजिए कि चुनाव की हालत आज क्या कर दी गई है। धीरे 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 एक साधारण व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। कहां से चुनाव लड़ेगा आप मुझे बताइए। चुनाव में कानून है, चुनाव आयोग का कानून है कि एमपी का जब आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको 70 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। आप अपनी ईमानदारी से बताइए, 70 लाख रुपया में चुनाव हो रहा है? पूरे गोवा में जो पोस्टर लगा हुआ है यह 70 लाख में लगा हुआ है, ये जो सैकड़ों गाड़ियां घूम रही हैं ये 70 लाख में हो रहा है। ये बेईमानी है, ये बेईमानी दिन रात हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं कि इस बेईमानी के खिलाफ हम कुछ कर नहीं सकते हैं। धीरे 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 हम वोट तो दे सकते हैं लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आम इंसान चुनाव से बाहर कर दिया गया है, अभी चुनाव लड़ने से बाहर किए हैं, कल वोट देने से भी बाहर कर दीजिएगा। आपको मैं पार्लियामेंट की हालत बताता हूं। पार्लियामेंट के अंदर कम से कम 200 ऐसे एमपी हैं जो लाखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति हैं, अरबपति। डेमोक्रेसी की अगर यह हालत रही तो आपको लगता है कि जो बहुजनों को अधिकार संविधान के अंदर मिला, सरकारी नौकरियों में जो उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई, ये बचने वाला है ये बचने वाला नहीं है? और उसका नतीजा मैं आपको बताता हूं और आप सोच करके बताइएगा कि अगर एयर इंडिया नहीं बचा तो एयरलाइंस में रिजर्वेशन बचेगा? अगर रेलवे नहीं बची तो रेलवे में रिजर्वेशन बचेगा? अगर सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बची, सरकारी अस्पताल नहीं बचे तो सरकारी यूनिवर्सिटी और अस्पताल में जो है रिजर्वेशन बचेगा? इसको कहते हैं ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। आप सोच करके बताइए, जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर को आज पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है वो किसके खिलाफ है? वो इस देश की बहुजन आबादी के खिलाफ है। और एक बात मैं आपको बता दूं, हम प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं। कई बार लोगों को ये लगता है जब हम पब्लिक सेक्टर को डिफेंड करने की बात करते हैं तो हम प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, हम प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं हैं। हम जानते हैं हमारी देश की जो आबादी है, 135 करोड़ हमारी आबादी है, इस पूरे के पूरे पॉपुलेशन के लिए सिर्फ सरकारी पब्लिक सेक्टर से काम नहीं चलने वाला है, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर होगा। प्राइवेट सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर रहेगा। लेकिन एक बात अपने दिमाग में आप डाल लीजिए कि अगर पब्लिक सेक्टर पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर भी ठीक से काम नहीं करेगा। प्राइवेट सेक्टर भी ठीक से तभी काम करेगा जब पब्लिक सेक्टर होगा। आप अपने दिमाग में इस बात को डाल लीजिए कि अगर एयर इंडिया नहीं रहा तो विस्तारा भी ठीक से नहीं चलने वाला है, अगर SBI नहीं रहा तो ICICI भी ठीक से काम नहीं करेगा, अगर गोवा मेडिकल कॉलेज नहीं रहा तो फोर्टिस में भी आपको बेड नहीं मिलेगा। सोच करके बताइए, अभी कोरोना हुआ है, दूसरी लहर गई है, तीसरा लहर आया है, जब सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा था
तो प्राइवेट अस्पताल में बेड मिल रहा था क्या? नहीं मिल रहा था। आप सोच करके बताइए कि अगर सरकारी स्कूल पूरे तरीके से खत्म कर दिए जाएं, तो प्राइवेट स्कूल ठीक से काम करेंगे? मैं आपको बताता हूं, आपको सोच करके हैरानी होगी कि दिल्ली के अंदर हालत क्या है। दिल्ली के अंदर LKG में एडमिशन लेने के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए का डोनेशन देना पड़ता है, और बच्चे का इंटरव्यू नहीं होता है, माँ बाप का इंटरव्यू होता है। पढ़ाना बच्चे को है, इंटरव्यू माँ बाप का ले रहे हैं। सरकारी स्कूल इसलिए होना जरूरी है कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ें। प्राइवेट स्कूल क्या वो ऑक्सफोर्ड चले जाएं, कैम्ब्रिज चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, लंदन चले जाएं, दुनिया के किसी कोने में जाकर के पढ़ें। लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद तभी टिकी रहेगी जब राज्य अपनी जिम्मेवारी समझेगा। और तकलीफ की बात यह है कि राज्य आज के डेट में कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि प्रधानमंत्री रैली करेंगे और देश की जनता को कहेंगे कि घर में बैठ करके 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, खुद मास्क नहीं लगाएंगे। देश बचाने की जिम्मेवारी जनता की, टैक्स देने की जिम्मेवारी जनता की, कोरोना से लड़ने की जिम्मेवारी जनता की। तो आप सोच करके बताइए कि सब कुछ अगर जनता ही करेगी तो सरकार क्या करेगी? सरकार आखिर हम क्यों चुनते हैं? आप सोच करके बताइए कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा तो हम विमान मंत्री लेकर के क्या करेंगे? अगर रेलवे नहीं होगा तो हम रेल मंत्री लेकर के क्या करेंगे? जब शिक्षा ही नहीं बचेगी तो हम शिक्षा मंत्री लेकर के क्या करेंगे? और इसीलिए मैं ये सवाल पूछता हूँ कि अगर सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेके क्या करेंगे? ढोलक बजाएंगे? क्यों टैक्स देंगे सरकार को? सरकार का सूटबूट खरीदने के लिए टैक्स देंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए एक हवाई जहाज खरीदा है, और उस हवाई जहाज की कीमत कितनी है? 8,500 करोड़। और अभी 12 करोड़ या 16 करोड़ का कार खरीदा है, 16 करोड़ का कार खरीदा है। काहे भाई? तो सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा होगी। 12 करोड़ का कार से घूमते हैं तब भी कहते हैं कि सुरक्षा में चूक हो गई है। आखिर ये मॉडल क्या है? ये मॉडल ये है कि इस देश के जो आम लोग हैं उनको जो अधिकार इस देश में मिला है, एक एक करके उस अधिकार को छीन लिया जाए। आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर 10,000 पोस्ट खाली हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे हजारों वैकेंसी नहीं है। लेकिन सरकार को वैकेंसी नहीं भरनी है। क्यों नहीं भरनी है? सरकार को लगता है कि जब सरकारी यूनिवर्सिटी रखना ही नहीं है, सरकारी यूनिवर्सिटी धीरे धीरे बेच देना है, तो वो वैकेंसी क्यों भरेगी? अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक आंदोलन कर रहे थे ग्रुप डी की बहाली को लेकर के। लगातार आंदोलन करने के बाद ग्रुप डी की बहाली निकली है। उस वक्त भी हमने कहा था कि सरकार ये वैकेंसी इसलिए नहीं भरती है कि उसको लगता है आज ना कल हमको रेलवे को बेच देना है। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको समझना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा कि आज का जो सत्ता का मॉडल है वो वोट लेती है मेजोरिटी से और काम करती है मुट्ठी भर लोगों के लिए। आप देख लीजिए कि हमारी GDP लगातार नीचे जा रही है, देश की GDP लगातार नीचे जा रही है, और प्रधानमंत्री जी के दोस्त का इनकम लगातार ऊपर जा रहा है। ये जो सिचुएशन है कि एक तरफ देश है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं। प्रधानमंत्री जी देश की सारी संपत्ति अपने दोस्त को बेच देना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि यह लड़ाई देश और दोस्त के खिलाफ है, यह लड़ाई बेचने और बचाने वालों के खिलाफ है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस तरफ खड़े हैं।